दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच सांस रोक देने वाला तीसरा T20 मैच देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी T20 सीरीज के सबसे रोमांचक तीसरे T20 मैच में बांग्लादेश को खदेड़ने के लिए दिल्ली के मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रख दिए अपने कदम। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह की करवा दी वापसी, तो आखिर तीसरे T20 में किन 11 भूखे शेरों के साथ उतर चुके हैं भारतीय कप्तान सूर्य? क्या है बांग्लादेश की प्लेइंग 11 टीम? कहां देख सकते हो ये मुकाबला? आप वो भी लाइव, साथ ही पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट, सब कुछ हम आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है, भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम तीसरा T20 मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं और जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला अपने बेहद ही रोमांचक बन जाते हैं। बांग्लादेश मजबूत टीम है, लेकिन पहले T20 मुकाबले में तो उनकी टीम इंडिया के सामने एक न चली, जहां सूर्य की पलटन ने किसी मच्छर की तरह बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को मसल कर रख दिया और 1-0 से T20 सीरीज में बढ़त भी बना ली। लेकिन दोस्तों, दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश अंतिम गेंद तक खेले गए रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को धूल चटाने में कामयाब हो गई, जिसके बाद यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ खड़ी हुई है। अब यह कारवां इतने में ही रुकने वाला नहीं है, अब भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे T20 का बिगुल बज चुका है। यहां बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शांत तो कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम को वो हरवाएं और इसीलिए उन्होंने सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम को हराने के लिए पूरा प्रबंध भी कर लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच ये मुकाबला आप सभी को लाइव दिल्ली के मैदान पर खेला जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले में एक तरफ सूर्य कुमार यादव को कप्तानी करते हुए देख रहे हो तो दूसरी तरफ नजमुल हुसैन शांतो अपनी टीम को संभाल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये रोमांचक मुकाबला लाइव अगर आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। इस रोमांचक मुकाबले में सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि टॉस जीतकर वो भी मुकाबला हारें, इसीलिए वो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला चुनते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक तरफ सूर्य कुमार यादव पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ करेंगे, जहां उन्होंने टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बदल दिया है और तीसरे चौथे नंबर के खिलाड़ियों को भी बदलकर हर किसी को हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको पूरी प्लेइंग 11 टीम बताते हुए चलते हैं जो भारत की खेलती हुई नजर आएगी। दरअसल दोस्तों, यहां बांग्लादेश की तरफ से जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया उसमें लिटन दास और तंजीद हसन, दो बेहद खतरनाक ओपनर उनकी तरफ से मैदान में उतरेंगे, तो मध्य क्रम में कप्तान नजमुल हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन, सौम्य सरकार और तौहीद हृदय के कंधों पर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने की जिम्मेदारी है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में महमदुल्ला रिशाद हुसैन और मेहंदी हसन मिराज उनके सबसे बड़े हथियार हैं, तो तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय टीम के बारे में तो दोस्तों, टीम इंडिया में कप्तानी तो सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, तो वहीं उनके साथ अब पारी की शुरुआत बतौर टॉप ऑर्डर पर करने के लिए यशस्वी जायसवाल उतरे हैं। तो वहीं दोस्तों, फिर मध्य क्रम में तीसरे नंबर पर संजू सैमसन को खिलाया जा रहा है, चौथे पायदान पर ऋषभ पंत, पांचवी पोजीशन पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर रियान पराग, तो वहीं नंबर 7 और 8वीं पोजीशन पर रिंकू सिंह और अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम और दोस्तों, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सूर्य कुमार यादव अपनी टीम को आखिरकार कैसे मुकाबला जितवा पाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम मजबूत टीम है और वो T20 में अच्छे से अच्छी टीमों को हराना बखूबी जानते हैं। और सूर्य कुमार यादव का फोकस बस इतनी बात पर होगा कि अब वो टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान दिग्गज खिलाड़ी मौजूद नहीं है, जिसके चलते भारतीय टीम को कोई मदद तो मिलेगी नहीं, उल्टा युवा खिलाड़ियों को ही अपने अनुभव से यह मुकाबला जीतना होगा। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए कुछ भी कठिन तो होने वाला नहीं है, ये हम सभी को पता, और पिच भी हमारी कंडीशन के हिसाब से रहेगी तो टीम इंडिया की जीत तो लगभग पक्की है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है, भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम बाजी मारेगी तीसरा T20 जीतकर? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।